श्री जयंत चौधरी। धन्यवाद महोदय जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 21वीं सदी में हमारे देश में जातिवाद के आधार पर अगर किसी एक वर्ग का शोषण हो तो इसे प्रगतिशील समाज और सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति में एक विशेष ऊर्जा होती है, विशेष शक्ति होती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत जैसे ऐसे नौजवानों को, ऊर्जावान नौजवानों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हमारे देश में इस सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आरक्षण प्रणाली चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से विचारों में संकीर्णता उत्पन्न हुई, कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक विषमताएं इससे समाप्त नहीं हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों को इसका फायदा मिला है, लेकिन आज भी कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो रही। हमने इस देश में देखा है विभिन्न वर्ग के लोगों ने सड़कों पर आकर अपना विरोध व्यक्त किया। गुर्जर समाज के लोगों ने एक जायज मांग को लेकर अपनी बात रखी। आज भी अखिलेश की अगर हम बात करें तो वो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। थोड़े संक्षेप में बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय जी अभी शुरुआत। ठीक है, और भी लोग बोलने वाले हैं ना, इसलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में धनगर समाज के लोग हैं जो एससी में आते हैं लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं जाट समाज की। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उस जाति से हूं, लेकिन राष्ट्र को हानि तब पहुंचती है अगर किसी एक वर्ग के अधिकार को से उनको वंचित रखा जाए। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जाट समाज को प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है। आज उनकी मांग है केंद्रीय सेवाओं में उनको नौकरियां मिलें। आज उनकी मांग है कि केंद्र स्तर में शिक्षा संस्थानों में उनकी गिनती हो। इसके उनके इस मांग के पीछे एक तर्क है, एक लंबा इतिहास है, भावना है। भावना उस नौजवान की है जो गांव में रहता है, खेत में अपनी जवानी काटता है और सरहदों पर अपनी कुर्बानी देता है। क्या उनका हक नहीं बनता? विचित्र स्थिति यह है कि दिल्ली प्रदेश में 1999 में आरक्षण मिला, यूपी में 2000 में मिला, राजस्थान में भी 99 में मिला है, और दो जिलों को छोड़कर के राजस्थान में जाट समाज के नौजवानों को दिल्ली में केंद्र सेवाओं में भी मिलता है और प्रदेश में भी मिलता है। क्या कारण है कि अन्य प्रदेशों में, आप उदाहरण लें उत्तर प्रदेश का, अगर कोई जाट समाज का नौजवान लखनऊ जाएगा तो उसकी गिनती पिछड़े में होगी, लेकिन दिल्ली आते आते देश की राजधानी में पहुंचते पहुंचते वो पिछड़ा नहीं रहता। इसमें न्याय नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं आज सदन के माध्यम से, और हम सब सदन के जो सदस्य हैं वो समाज से हो सकते हैं लेकिन हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व इस सदन में हम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो देश में एक माहौल बन रहा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को सही वक्त पे सही फैसला लेना चाहिए। बहुत समय से ये इसमें विलय हो रहा है, बहुत समय से इसमें संक्षेप करें, ये मुद्दा विचाराधीन है। मैं मांग करना चाहता हूं आयोग में ये मामला विचाराधीन है, सरकार को आगे आके स्पष्ट तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम आपकी पैरवी करेंगे, और यदि सरकार इस तरह का कोई भी संदेश देती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाज के जितने नौजवान हैं उनके अंदर एक उम्मीद की नई लहर दौड़ेगी। जो जिसने सपना देखा है आईआईटी में घुसने का, आईएएस में भर्ती करने का, उसे लगेगा कि इस देश की नीति निर्धारण। कृपया समाप्त करें, धन्यवाद। श्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र सर, अब एसोसिएट कर दीजिए।